ओके मेरे भाई, आज आर्मी का हम फॉर्म भरेंगे। ओके सो अभी आर्मी का हम फॉर्म भरेंगे और स्टेप ही हर चीज़ आपको समझाएंगे, जो एक बारीकी से जो आपको स्टेप ले जो हूँ आपको बारीकी से जो स्टेप ही स्टेप एक एक गलती जो आपको नहीं करना है आपको स्टेप ही समझोगे तो जो आपको 100% आपको इस फॉर्म भर सकेंगे अपने मोबाइल से। और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, मैं आपको गारंटी साथ बोल रहा हूँ कि जो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एडमिट कार्ड तक मैं आपको दिखा दूंगा कि जो कैसे आता है, सब चीज़ें मैं आपको ऑफिशियली बता दूंगा। तो जितना उसके मेरे भाई इस वीडियो को प्यार देना, जितना वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भाई मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाली और भी सैनिक बोलते हुए जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। और इसके साथ में जो लाइव रिपोर्टिंग जब भी जो सेना भर्ती होती है उसकी लाइव ग्राउंड से जाकर रिपोर्टिंग मैं आपको खुद करने वाला हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में आपकी जो भी राय जो भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे आपको उस पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशली है तो इस वीडियो को जितना उसके प्यार देना, जितना वीडियो को लाइक कर देना, और अपने राजस्थान के जो स्पेशली बंदे हैं हर एक आरओ हर एक जो डिस्ट्रिक्ट वाले बंदे के साथ शेयर करना, क्योंकि घर बैठे बैठे अपना वो फॉर्म भर सकता है, तो इन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। ओके मेरे भाई, अब देखो जो आपको फॉर्म भरने का क्या करना है। सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र या जो गोबी है गूगल ओपन कर देना। सिंपली आप यहाँ पे जाकर सर्च करना है कि ज्वाइंट इंडियन आर्मी, या जो आप जैसे ही जो आर्मी सर्च करोगे तो आपको सबसे ऊपर ही दिखेगी ये साइट ज्वाइंट इंडियन आर्मी। इसके जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर क्लिक करोगे डायरेक्टली आपको ये होम पेज पर चला जाएगा। इस पर आपको जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार बंदों के ये चीज़ आती है या नहीं आती है, ये जो कैप्चा आता था आपको ये सेम कैप्चा ये डालना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे डालने के बाद नेक्स्ट करता हूँ। देखो मेरे भाई ये जो सेम मैंने डाल दिया है और उसके बाद में नेक्स्ट कर दूंगा मैं। इस पर जो क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट अनाउंसमेंट आ चुका है, यानी सेम ऑफिशियल वेबसाइट जो कंप्यूटर लैपटॉप पीसी में खोलते हैं वैसी ही आपके जो इसमें खुल रही है। आपको क्या करना होगा, सिंपली बहुत से बंदों को ये दिक्कत आ रही होगी तो मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूँ, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना जो आपके तीन डॉट दिख रहे होंगे आपको फ़ोन के ऊपर, तीन डॉट आपको दिख रहे हैं इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद में आपको जो इसके नीचे जाना है और यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए जाना है डेस्कटॉप मोड पे ले लेना। डेस्कटॉप साइट यानी आपके लैपटॉप कंप्यूटर जो ये होते हैं इनकी साइट होती है। जैसे ही जो आप यहाँ पे क्लिक कर दो तो ये जो एक ऑफिशियली जो खुल जाएगा और इसमें आप जूम भी कर सकते हो, आउट कर सकते हो। इससे जो आपके बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, जैसे जो आप कहाँ पे भी कुछ भी फॉर्म भर रहे हो या कुछ भी मिस्टेक है तो आप स्क्रॉल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि आप जो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये सिंपली जो आप करने के बाद आपको इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे हम फॉर्म भरेंगे वो कौन सा साइट है, तो बहुत से बंदे यहाँ पे आने के बाद जो कुछ गलती करते हैं क्या जो कहाँ पे क्लिक करें क्या प्रोसेस है उनको समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको सिंपली बता दूँ मेरे भाई, आपको यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे जे सी ओ आर ओ दिखाएं अप्लाई, इस पर क्लिक करना है, ना कि जो ऊपर वाले पे। ऑफिशियल वाले जो बंदे हैं वो ऑफिशियल पे करते हैं, बाकी जो ज़्यादातर जो अपने इंडियन आर्मी के जीडी के हैं, ट्रेडमैन हैं, टेक्निकल है, ये सारे जो पोस्टें भरते हैं हम आवेदन के लिए, तो ऑलमोस्ट जो इसी पे क्लिक करते हैं और इसी पे जाना है आपको, ठीक है। सिंपली मेरे भाई यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा ना, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है आपको सिंपली। इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप दिखेगी वो आपको जो ऐसे फॉर्म के जैसे दिखेगा उसमें जो कंटिन्यू करना होगा जो फॉर्म में लगने वाले डॉक्यूमेंट है ये पूछे जाएंगे ना। तो इसमें जो भी स्टेटस दे रखे हैं आप देख रहे हो, इसमें जो भी स्टेटस हैं इसमें आप पढ़ देना, आप अपने हिसाब से जो भी हैं लग रहे हैं इसमें डॉक्यूमेंट जो नियम दे रखे हैं इसमें वो देख लेना। उसके बाद में जो कंटिन्यू ऑप्शन दिख रहा है कंटिन्यू वाले पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। मैं सिंपली अभी कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ, है ना। बहुत से मेरे भाई ये जो फॉर्म भरते वक्त जो डरते रहते हैं कि जो एक गलती नहीं हो जाएगी, ये जो कहीं फॉर्म तो मेरा रिजेक्ट नहीं होएगा, क्या जो एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, या तुम दौड़ कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, 1600 मीटर पास कर सकते हो, मेडिकल फिट कर सकते हो और एक इंडियन आर्मी की वर्दी ले सकते हो। तो यार ये छोटी सी चीज़ें आपके लिए, इतना जोश रखते हो, इतना हुनर रखते हो तो यार नॉर्मल है, आप कर सकते हो बेसिक, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो भी आपका स्टेट है वो सेलेक्ट करना होगा आपको। आधार कार्ड सबसे, ये जो पहले जिन बंदों का आधार कार्ड है वो आप डाल देना, और जिन बंदों ने अभी अप्लाई किया आधार कार्ड के लिए तो आपको जो 16-17 नंबर के जो डिजिट होते हैं वो आपको डाल देना, जो यूएन नंबर बोला जाता है आपको, जो सबसे ऊपर एंटोमेंट नंबर लिखे होते हैं जो कार्ड के ऊपर होते हैं ना, जो प्रिंटआउट आपको दी होगी मित्र वाले ने, वो आप सिंपली यहाँ पर डाल देना। और जिनके हैं आधार कार्ड तो आधार कार्ड नंबर सेलेक्ट करके आप आधार कार्ड जो नंबर है वो आपको डाल देना है। इसके बाद आपको जो क्या करना है, उसका जो सर्टिफिकेट यानी जो सर्टिफिकेट में आपके 10th की मार्कशीट में जो भी आपका नाम है वो आप सिंपली आपको नाम डालना होगा। इसके बाद अपने फादर का नाम डालना, आपको नॉर्मली जो फादर का नाम आपका है वो आपको सिंपली डाल देना, ठीक है।
इसके बाद जो आपका नेक्स्ट रहेगा मदर नाम, जो भी आपका मम्मी का नाम है वो डाल देना। उसके बाद आपकी जो भी जन्म तारीख है सिंपली उस तारीख को क्लिक करना हो, और इसके बाद में ईमेल आईडी। मेरे भाई ये जो ईमेल आईडी बहुत से बंदे गलत डालते हैं, तो आप ये एकदम करेक्ट रखना, क्योंकि ईमेल आईडी वही रहेगी जो आप रजिस्ट्रेशन के वक्त जो आप जो भी ये जो लॉगिन करोगे या जो अपने फ्यूचर में जब भी आप फॉर्म भरोगे तब भी ये जो वो काम आएगी। और मोबाइल नंबर भी मेरे भाई वही डालना जो आपके जो एकदम करेक्ट हो, अल्टरनेट नंबर हो। इसके बाद ये सारा कंप्लीट होने के बाद आपको जो एक बॉक्स दिखेगा नीचे, नीचे की तरफ बॉक्स में जो क्लिक करना सिंपली, उसके बाद में जो सेव एंड नेक्स्ट है जो सबमिट पर क्लिक कर देना। ये सबमिट होने के बाद सीधे ही आपके ओटीपी आएगा, जो आपके ईमेल आईडी है उस पर एक ओटीपी गया होगा, तो उस ओटीपी को जो डाल देना यहाँ पे सिंपली। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे जो ओटीपी आता है क्या है वो आपको सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो देखो सिंपली ये जो ओटीपी दिख रहा है ऐसा ही ओटीपी आपके जो ईमेल आईडी पे आएगा, वो आप सिंपली यहाँ पे कॉपी करके भी डाल सकते हो या जो अपने जो देख के भी डाल सकते हो ना। उसके बाद जो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना सिंपली आपको सारा स्टेटस देखने को मिलेगा, जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर है, पर्सनल डिटेल है, ये सारा इसमें मांगा जाएगा। तो नॉर्मली आपको बेसिक के जो स्टेप बता रहा हूँ आप देख लेना है ना, इसमें मेल और ये जेंडर, सिंगल, अनमेरिड, ये सारे जो पूछा जाएगा जो भी आपकी जो है। तो आप ज़्यादातर बंदे जो अनमेरिड होंगे मेरे को मुझे पता है, तो आप अनमेरिड से क्लिक कर देना। उसके बाद में जो भी आपका स्टेटस वो आप डाल देना। इसके बाद में जो लास्ट में आपको क्या करना है, देखो इस तरह पे जो आपको कोने में है आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करना है और जिला सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। ये जो सेलेक्ट होने के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी आपका 10th की मार्कशीट है, मैट्रिक नंबर क्या है, और जो आप कहाँ तक पढ़े हो, और जो इसके बारे आपका अपेयरिंग तो नहीं है, ये चीज़ें पूछी जाएगी। तो आप सिंपली जो भी आपकी 10th है, 12th है, अपेयरिंग चल रही है या क्या है, वो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद में जो आपको सिंपली यहाँ पर लास्ट में आपको जो देर का सर्टिफिकेट रीजनिंग आपको यहाँ पर नो करके नेक्स्ट स्टेप जो आपके राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा एक पासवर्ड प्रोसेस, इसमें इसमें चलाना है। ये सिंपली मेरे भाई इसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं है, आप नॉर्मली बेसिक भर सकते हो। जो भी आपके सर्टिफिकेट नंबर है वो डाल देना, और आपका नाम क्या है वो डाल देना, जो 10th की मार्कशीट नंबर क्या है वो डाल देना, और आप कहाँ तक पढ़े हो वो आपको डालना होगा सिंपली, ठीक है। अब हम इस तरफ आ जाते हैं आपके राइट हैंड साइड में जो आपका जो पासवर्ड जो इन्फॉर्मेशन बता रखी है। अब पासवर्ड जो कॉलम दिख रहा है इस पे आ जाना आपको। पासवर्ड है जो बहुत से बंदे ये डाउट करते हैं कि जो सर पासवर्ड कैसे डालें, तो सिंपली मैं आपको एग्जांपल दे लेता हूँ। ABCD@1234 आप ऐसे डाल सकते हो, या Nihal@ATSC पर भी डाल सकते हो, जो भी आपका नाम है उसके बाद में @ और आपके जो चार डिजिट जो अपने 123 ऐसे कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। वही बंदे डालना है जो आपको याद रह सके। मेरे भाई बहुत से बंदे हैं जो गलत कर देते हैं और बाद में भूल जाते हैं, तो आप सिंपली जो किसी भी जो कहीं कॉपी में लिख देना या कहीं पेन पर लिख देना या जो किसी भी में लिख देना जिससे जो आपका याद रह सके। उसके बाद आपको जो एक कैप्चा देर का कैप्चा आपको फिलअप करना है। ये करने के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा सेव एंड कंटिन्यू, ये जो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। आप इसमें यूज़ कर सकते हो जिनके बंदों के एडमिट कार्ड हैं या एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं, सब है जो आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आप फॉर्म अप्लाई कैसे करोगे। बहुत से बंदों को सेना भर्ती यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे जो आपको रिलेशन सर्टिफिकेट दिख रहा है इस पर क्लिक करके, या जो डॉटर है या सन है जो भी है आप यहाँ पे क्लिक करना हो, और आपको एलिजिबिलिटी चेक कर देना। और जिन बंदों के कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी स्पॉट नहीं है, तो आप सिंपली ये जो नॉन डिस्पेसिंग कैटेगरी पे सबसे जो टॉप पे दे रखा है इस पर क्लिक करके आप चेक एंड एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना, ठीक है। कैटेगरी है कि मैंने किया जो जो अभी दिख रहा है जो नीचे आपको ग्रीन पट्टी में है ना, तो इसमें अप्लाई ना हो, अप्लाई नहीं दिख रहा, ये जो इसमें हम फॉर्म भर सकते हैं। और जो नॉट अप्लाई दिख रहा है जो यहाँ पे नोट अप्लाई, इसमें हम फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि हम उसके लिए उस जो उसमें जो हम जा नहीं सकते, क्योंकि जो वो हो सकती है दूसरी वैकेंसी वो ऐसे अलग है ना। तो सिंपली जो भी आ रखी है उस पर क्लिक करेंगे हम, जो भी GD की चल रही है, और राजस्थान वाला की बहुत सी जो NA की पोस्टें हैं या दूसरी और भी है, तो सेम ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी आप जिसमें फॉर्म भरना चाहते हो उसमें आपकी एलिजिबिलिटी देख लेना, और जो सही है तो आप अप्लाई पर क्लिक कर देना। सिंपली आपको अप्लाई दिख रहा तो आप क्लिक कर देना, अप्लाई भी क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो कंटिन्यू आपको करना होगा जो इसमें बता रखे ये स्टेटस पढ़ देना आप नॉर्मली है ना। उसके बाद आपको क्या करना, देखो कंटिन्यू दिख रहा है इस पर क्लिक करना सिंपली आपको। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चला जाना आपको। ये हो जाने के बाद आपको जो देखो इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, जो आपने भी फॉर्म भरा था जिससे पहले जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो भरा था वो बेसिक इसमें दे रखा है जो पहले से जो ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमको सिंपली क्या करना है अपना जो भी आपका फॉर्म, हाँ मेरे भाई सेलेक्ट कीजिएगा, फोटो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी ये जो 5 KB से जो 20 KB के आसपास आपका होना चाहिए। बहुत से आपको जो मिल जाएंगे आप उसमें सेलेक्ट कर देना। उसके बाद जो भी आपका सिग्नेचर है सिग्नेचर को सेलेक्ट करना है, और सिग्नेचर भी आप जो उसका भी है जो 5 से 10 KB के बीच होना चाहिए, जो भी आप जो कर रहे हो उन सभी को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपका धर्म है उसको सेलेक्ट कीजिएगा, जो हिंदू है तो हिंदू सेलेक्ट कीजिएगा, अलग अलग जो बंदे हैं तो आप अपने हिंदू सेलेक्ट कर देना।
उसके बाद में जो भी आपकी जो श्रेणी है यानी कास्ट है वो आप जो बहुत से बंदों की रावत होती हैं, बहुत से जो राजपूत होते हैं, अलग अलग जो कैटेगरियाँ होती है, तो आप अपने हिसाब से जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर देने यहाँ पे। उसके बाद देखो जो इसमें आपको एक सेव एंड कंटिन्यू नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें जो आपका जो एड्रेस पूछा जाएगा, परमानेंट एड्रेस और जो ये ऑब्जेक्शन एड्रेस, यदि दोनों सेम है तो आप ऊपर दिख रहे हैं आइकन, जो आइकन उस पर क्लिक करके सेम कर देना। मैं आपको सिंपली जो करके दिखा देता हूँ। सिंपली ये जो बेसिक है जो इन्फॉर्मेशन पढ़ना है आपको, ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है। नॉर्मली जो भी आपकी कैटेगरी है, जो वो आप पिन कोड है, क्या जो एरिया का नंबर है, जो आपका गाँव का नाम क्या है, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, पिन कोड सहित आपको सारा पूछ भर देना है। और यदि ये जो यही आपकी एलिजिबिलिटी और जो आपने भरा है सेम दिख रहा है आपको और सेम है आपका, और आप जो बहुत से बंदे होते हैं ना जो शहर में रहते हैं और जो उनका गांव वहाँ होता है तो अलग अलग हो, तो आपको यहाँ पे दोनों चेंज में पढ़ने हैं। और ये जो बंदे हैं जो गांव के ही हैं और जो एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही जगह सब हैं, तो आप सिंपली आपको ऊपर दिख रहा होगा आई बटन जो कॉर्नर में, आपको एक सेम एस एड्रेस इस पर क्लिक कर देना, जो स्थाई पता सेम है ना। इस पर सिंपली क्लिक करने के बाद ये सारा जो आपको फॉर्मेट जो भरा आपने सेम इस तरह भी आ जाएगा, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। ठीक है, ये जो करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं मेरे भाई, आप सिंपली आप खुद भी कर सकते हो। ये क्या मैंने अब जो नेक्स्ट स्टेप देखो मेरे भाई, अभी ये जो देखो ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, डिटेल पूछी जाएगी जो आपकी कैटेगरी है उसमें जो आपको नॉर्मली सामान्य करना होगा, और जो यूनिट है जो हेड है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, जो बंदे हैं जो यूनिट के हैं वो QRH वाले हैं बंदे, वो आप यहाँ पर सिंपली करना होगा। जिनके पास में NCC है स्पॉट है वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, और जिनके पास में नहीं है तो आप नो करके आप नेक्स्ट कर सकते हो इसमें, है ना। जो बंदे जो नो करके आप जो नेक्स्ट कर देना, जिनके पास NCC है तो वो कौन सी सी है आपके, एक BC जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ज़्यादा जो झंझट नहीं मेरे भाई आप, और इस पर नीचे आपको देख रखा हो श्रेणी, जो आपके जो रिलेशन बंदे हैं या जो आपके भाई आर्मी में है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, और जो भी आप हैं वो कर सकते हो यहाँ पे। नॉर्मली हम जो आपके नॉन डिस्पैच कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और आप नेक्स्ट जो क्लिक कर देंगे, सेम एंड कंटिन्यू पे हमें क्लिक करना होगा। ठीक है, इसके बाद में देखो अभी कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने आएगी, जो आपके एजुकेशन के रिलेटेड होगी। एजुकेशन के लिए ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाता, लेकिन नॉर्मली जो बेसिक पूछा जाएगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें जो आपके वर्ग है वो आपको यहाँ चूज करना होगा, उसके बाद में जो आपके बोर्ड हैं वो आपको चूज़ करना होगा, यानी जो एजुकेशन में कौन सी जो आपके यूनिवर्सिटी है वो आपको बोलना होगा। ठीक है, और इसके बाद में जो आपके पासिंग अर्स हैं वो आपको डालना होगा, रोल नंबर क्या है आपके डालने होंगे, सर्टिफिकेट नंबर क्या है आपको ये डालने होंगे। नॉर्मली बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ये डालनी होगी। मैं सिंपली जो कई कर देता हूँ और ये डाल देता हूँ, रोल नंबर सारे, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। ये होने के बाद क्या करना है आपको, ऐड दिख रहा है नीचे आपको ऐड दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, ये आपके जो हिंदी में कितने नंबर हैं, इंग्लिश में कितने नंबर हैं, ये जो आपके जो मैथ्स में कितने नंबर हैं, ये जो नॉर्मली बेसिक है आप इसमें डाल सकते हो। ये जैसे जैसे मैं आपको डाल रहा हूँ दिख लेना आप इंग्लिश में कितने नंबर है। सबसे पहले आपको जो कितने नंबर आए 100 में से वो आपको यहाँ डाले होंगे, और लास्ट में कितने में नंबर आए, यानी 100 का टोटल पेपर हुआ तो आपके 20 नंबर आए, 30 नंबर आए, 50 नंबर आए, 60 नंबर आए, वो आपके यहाँ सिंपली जो आपको आगे डालने होंगे, और आपके लास्ट में आपके टोटल नंबर डाले होंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आपको जो आगे दिखने होंगे। ठीक है, और यदि कोई गलत आता है तो आपको जो एरो पे दे रखा है इस पर कर सकते हो कट, और वापस बना सकते हो, है ना। ये जो होने के बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सिंपली मैं भर देता हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ये होने के बाद मेरे भाई अभी देखो, अब बहुत से बंदे हैं जो बोलते कि है जो इसमें क्या हमारे 10th में गलत रोल नंबर चढ़ गए हैं या कुछ भी चीज़, तो आप यहाँ पे एक नीचे दिख रहा है डिस्मोक्स में, देखो जो नीचे जो कॉर्नर में दिख रहा होगा आपको चेंज एप्लीकेशन, इसमें क्लिक करके आप जो भी है चेंज कर सकते हो। यदि आपका जो एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कंटिन्यू ऊपर दिख रहा है इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दोगे। तो सिंपली अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपली आपको जो इस पर कंटिन्यू क्लिक कर देना है, और ये जो सिंपली क्लिक कर रहा हूँ, सिंपली क्लिक करने के बाद आपको जो सारा है जो स्टेटमेंट में दिख रहा होगा, जो आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ है क्या, आपके फादर नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें बता रखी है, तो ये आप इसमें देख सकते हो। इसके बाद में लास्ट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे भाई, बहुत से बंदे गलती करते हैं, इसमें आने के बाद आपको सबमिट करना होता है, तभी आप जो आर्मी के पास जाएगा। अब तक जो आपके आर्मी पास ये नहीं गया है, तो सबमिट में आपको क्लिक करना है। सिंपली आपको जो सबमिट पे क्लिक करना था, और उसके बाद में आपको मैसेज भी आ जाएगा, और आपके जो ये हिस्ट्री में जाके भी आप देख लेना, वहाँ पे क्लिक करोगे जैसे ही ये जो एक आर्मी की तरफ चला जाएगा, और आपको मैसेज भी आ जाएगा, और ये आपको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अभी मैं आपको सिंपली क्लिक करके दिखा देता हूँ, और अभी हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं ना, क्योंकि जो ये सबमिट तो हमने कर दिया, लेकिन जो भी हिस्ट्री पे देखना होगा कि ये जो क्या है, सबमिट हुआ या नहीं हुआ। सबमिट करने के बाद आपको जो दिख रहा होगा ये सारा स्टेटमेंट, यानी सारा इस पर बता रखा है, और कब से जो हमने अप्लाई किया था, कि कौन सी तारीख है, कितनी बजे, और आपको व्यू पे क्लिक करना होगा, और व्यू पे देख लेगा जो भी आपका
जो आपने फॉर्म भरा है वो आपको जो देखने को मिलेगा वो सबमिटेड लिखा आ रहा है, यानी आपका आर्मी का फॉर्म चला गया है, भर दिया है और आर्मी के पास चला गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे भाई। तो ये ज़रूर अपने जब भी जो आप कोई भी फॉर्म भर रहे हो, GD का हो, NA का हो, जब भी भर रहे हो तो वो ज़रूर चेक कर देना एलिजिबिलिटी। तो उसमें जो आप देख लेना क्या आपका फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी अपडेट है मेरे भाई। तो वीडियो को जितना उसका फॉलो करना, जितना वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलता हूँ मेरे भाई नई वीडियो के साथ, तब तक भाई जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को जितना उसके मेरे भाई प्यार देना, जितना वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे ही ये वीडियो हर दोस्त तक एक पहुँच सके और आराम से घर बैठे बैठे हर दोस्त ये फॉर्म भर सके। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक भाई जय हिंद, वंदे मातरम।